नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सांसद सुनीता दुग्गल ने आज शहर के शिवपुरी में हवन यज्ञ कर क्षेत्र में कोरोना मृतकों की आत्म शांति की व इस क्षेत्र में खुशहाली व समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। सांसद ने स्वयं मंत्रोच्चारण करते हुए हवन यज्ञ किया। इससे पहले सांसद ने शिवपुरी और शिव मंदिर में जल चढ़ाकर माथा टेका। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना में लोगों में एक भय का वातावरण पैदा किया है। हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए बल्कि अपने आप को मजबूत बना करके सावधानी बरत करके इसे हराना है। जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक सावधानी व उपायों की पालना करना हमारे लिए और स्वयं दूसरों के लिए कोरोना से बचा सकते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कोरोना महामारी हमें समझ करके उसके साथ जीना सीखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बातों का ध्यान रखना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने की आदत को अपने जीवन में उतारना होगा। यदि हम सावधान रहें और इन उपायों का सही ढंग से पालन करें तो हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना ने पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि हमारा देश इस मामले में अच्छी स्थिति में है, हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है। उन्होंने प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा अपने ऊपर कोरोना वैक्सीन के प्रयोग करवाने तथा उनका धन्यवाद किया और स्वस्थ जीवन की शुभकामना दी। सांसद ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिस प्रकार से अपने ऊपर वैक्सीन का प्रयोग करवाया है, ये साफ दर्शाता है कि वे एक मंत्री के साथ साथ एक सच्चे समाजसेवी भी हैं। पल पल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। देखिए ऐसा है कि जो ये कोरोना काल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिरसा में भी हमारी बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं कि जो काल के ग्रास में चले गए, तो आज उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हमने यहाँ पर शिवपुरी में जो है ये हवन यज्ञ किया है और इसके साथ साथ इस इलाके की, पूरे हरियाणा की और पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरी सृष्टि की शांति के लिए हमने कामना की है कि प्रभु बहुत हो गया, अब इसको थोड़ा सा गेर लगाएं इसमें और इसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि चारों तरफ जो है एक बहुत भय का वातावरण है। इस कोरोना की वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त भय का वातावरण है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पर एक बार पता लगता है कि परिवार में हो जाए तो वो परिवार का जो है वो भय से एकदम से ग्रस्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब जो है वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएं, अपने अंदर एक विश्वास लेकर, आत्मविश्वास लेकर आएं कि हम इस बीमारी से जूझेंगे, इस बीमारी से लड़ेंगे। और इसी चीज़ के लिए मैंने आज ये जो है हवन यज्ञ, पूरे यहाँ के सभी हमारी जो है नागरिक हैं, यहाँ के जनता जनार्दन हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सबके साथ मिलकर ये हवन यज्ञ किया। ये कहना चाहूंगी बार 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 बार, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, देखो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा थोड़ा दूर जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाना है। अगर जिस किसी को अगर है भी सही और अगर दूसरे ने भी मास्क लगाया हुआ तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो फैले।
और तीसरा बार बार हाथों को धोना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको हमें अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमारे पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और आज हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उन्होंने वैक्सीन का जैसे अपने ऊपर प्रयोग करवाया है, काबिले तारीफ है। मैं तहे दिल से इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देती हूँ कि वो सच्चे समाज सेवी हैं, कि उन्होंने जो मंत्रालय उनके पास है उनको किस तरह से उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ नाम के मंत्री नहीं है, वो काम के भी मंत्री हैं। और उन्होंने वैक्सीन का अपने ऊपर जो प्रयोग किया है, मैं तहे दिल से इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत इस बात के लिए उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही जनसेवा करते रहें। देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से विकास की योजनाएं चलेंगी। आज भी मैंने कम से कम 2.5 से लेकर 3 करोड़ की डाबी कला फतेहबाद जो जिले के अंदर जो है वहां पर योजनाएं जो है उनका उद्घाटन किया। स्कूल अपग्रेड हुए हैं, वहां पर शमशान भूमि जो है उसको ठीक ठाक किया गया है, जलघर बनाया गया है। तो 2.5 से 3 करोड़ की आज जो योजनाएं हैं उनका मैं उद्घाटन करके ही यहां पर पहुंची हूं, और यहां पर भी बहुत तेज गति के साथ जो है वो विकास होगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला दूं। शहर में कुछ वार्ड आदर्श वार्ड बनाए गए थे, खासकर 5 नंबर वार्ड की बात सुमन मैडम आपके पास, वहां पर काम नहीं हो रहा। देखिए जी, अभी जो डीएमसी जो आए हैं नए, वो काम को समझ रहे हैं, और मैंने जहां तक उनको भी कहा है, और जो हमारी एमसी मैडम है डीएमसी से उनकी मुलाकात भी करवाई है, और उसके बाद से मुझे लगता है कि सुमन जो है वो सेटिस्फाइड है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारी सुनवाई हो रही है और वो ठीक तरीके से काम भी हो रहा है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बताएं, जो भी यहां के एमसी हैं मुझे बताएं, और मैं जरूर डीएमसी को बोलकर आपके अधिकारी को, और मेरी दिशा की मीटिंग भी बहुत जल्द अभी जो है 24 तारीख को प्रस्तावित है यहां पर, और उसमें सभी अधिकारियों को फिर से जो है पूरा धरातल पर काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात के लिए ताकीद की जाएगी, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनको ठीक तरीके से वहां पर समझाया भी जाएगा।